एनसीडीएक्स पर आज से चीनी और मक्के में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो गई है। एक्सचेंज के मुताबिक इस सेगमेंट में अब तक करीब 500 टन का कारोबार हो चुका है। आपको बता दें, एनसीडीएक्स एग्री वायदा कारोबार में देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है और पहले दिन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह। समीर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हो चुका है, ये बताएं कि पहले दिन का रिस्पांस अब तक कैसा है? पहले दिन का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही एनकरेजिंग रहा है। और जो हम लोग चाहते थे इस फॉरवर्ड सेगमेंट को लॉन्च करने में, जो हमारा एक प्लान था कि पार्टिसिपेशन वाइडन करना और जो फिजिकल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना। एग्री कमोडिटीज में हर साल की बिक्री होती है, पिछले साल में पूरी बिक्री हुई है, 9 लाख करोड़ की बिक्री हुई है। ये जो 9 लाख करोड़ का जो काम होता है उसको एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पे लाना, ये हमारा मकसद है। तो ये काफी तरह से आज के दिन ये पता चला है हमको कि अलग अलग शहरों से पार्टिसिपेशन हुआ है, अलग अलग फर्म्स और इंडस्ट्री से पार्टिसिपेशन हुआ है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग पार्टिसिपेशन रहा है, हम लोग बहुत सैटिस्फाइड है फ्रॉम डे वन पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, यहाँ पर चीनी और मक्का का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, तो मक्का वायदा में काफी कम वॉल्यूम्स रहते हैं, फॉरवर्ड में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, अगर मैं फोकस इस पे करना चाहूँ तो? फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में काफी फर्क है। फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब प्राइस वॉलिटिलिटी होती है तब रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग की जरूरत होती है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग में तो फिजिकल मार्केट में रोज के दिन व्यापार होता है और वो फॉरवर्ड के फॉर्म में ही होता है, तो उस ट्रेड को एक्सचेंज पे लाना हमारा काम है। तो वॉलिटिलिटी हो ना हो, मार्केट में और बाजार में ट्रेड होता ही है, उस ट्रेड को एक्सचेंज पे लाना है। तो अगर उसका लिंक फ्यूचर्स से इतना ज्यादा टाइट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग जब ही होगी जब ज्यादा वॉलिटिलिटी हो, लेकिन फॉरवर्ड सेगमेंट में रोज का व्यापार भी एक्सचेंज पे आ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आप अब तक के कारोबार से काफी सेटिस्फाइड यहाँ पे लग रहे हैं, तो क्या आगे दूसरी कमोडिटी में भी आप फॉरवर्ड शुरू करेंगे, और अगर ऐसी प्लानिंग है आपकी, ऐसी योजना है, तो वो कौन सी कमोडिटीज होंगी? हमारा प्लान बिल्कुल ये है कि सारी जो एक्सचेंज पे कमोडिटीज ट्रेड हो रही है एग्री में और नॉन एग्री में, वो सारी कमोडिटीज हम एक फेज्ड वाइज मैनर में फॉरवर्ड सेगमेंट में लेके आएंगे। और फॉरवर्ड सेगमेंट सिर्फ जो फ्यूचर्स में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड है सिर्फ उससे रिस्ट्रिक्टेड होना जरूरी नहीं है, हम और भी कमोडिटीज ला सकते हैं जिनका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फॉरवर्ड में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग जस्ट एक फेज बाय फेज्ड वे में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। तो इस साल के अंत तक कोई और कमोडिटी आप जोड़ेंगे? सॉरी, इस साल के अंत तक कोई और कमोडिटी में भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अगले एक महीने में ही हम लोग और 2-3 कमोडिटीज ऐड कर देंगे, जो एक पहले का एक मंथ का एक्सपीरियंस उसको स्मूदन आउट करने के बाद नेक्स्ट फेज में हम लोग और 2-3 कमोडिटीज बिल्कुल ऐड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और साथ ही आपको ढेरों शुभकामनाएं इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और